Divya Sharma, www.myfitnessbeauty.com. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. मैं हूं दिव्या शर्मा. आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि दो वॉलनट यानी कि दो अखरोट हमारी बॉडी की ब्लॉक नसों को कैसे खोल सकते हैं. ये दो अखरोट कौन से होने चाहिए यानी कि अखरोट किस टाइप का होना चाहिए और इसे लेने का तरीका क्या है. सबसे पहले अखरोट के फायदों की बात करें तो चाहे डायबिटीज हो, चाहे थायराइड, चाहे ज्वाइंट पेन, ये बहुत सी बीमारियों में हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है. हार्ट प्रॉब्लम में, कोलेस्ट्रॉल जिनका बढ़ता है यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाने में और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में, इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में, माइंड को शार्प करने में, ये बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है. जिनको नींद कम आती है, स्ट्रेस ज़्यादा रहता है, उनके लिए भी वॉलनट बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है. प्रेगनेंसी के दौरान वॉलनट ज़रूर खाना चाहिए, लेकिन रात को भिगो दें और सुबह इसका सेवन करें, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है और गर्म चीज़ें प्रेगनेंसी टाइम में नहीं लेनी चाहिए. सिर्फ नौवें महीने को छोड़कर, नौवें महीने में गर्म चीज़ लेते हैं. इसके अलावा वॉलनट का काम होता है वेट को लूज करना. जिसके फेस पर बहुत ज़्यादा रिंकल है तो उनके लिए ये एंटी रिंकल का काम करता है. जो लोग बहुत स्ट्रेस, थकान फील करती हैं जिनकी आंखें, उनको वॉलनट ऑयल अपनी आईलिड पर लगाना चाहिए. जिनकी स्किन बहुत ड्राई रहती है उनको अपनी स्किन पर वॉलनट ऑयल लगाना चाहिए. इसके बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन आज हम बात करते हैं कि ये जो वॉलनट है ये किस टाइप का हमने लेना है और इसे लेने का तरीका क्या है कि ब्लॉक नसें खुल जाएं. अगर नॉर्मली आप वॉलनट ले रहे हैं तो आप सर्दियों में इसे वैसे भी ले सकते हैं और गर्मियों में रात को दो वॉलनट भिगा दें और सुबह उसको खा लें. ये तो है नॉर्मल तरीका. अब वॉलनट कैसा होना चाहिए, तो आपको वॉलनट जो लेना है वो पतले शैल का लेना है, जिसको हाथ से हम तोड़ सकें, ऐसा वॉलनट हमें लेना है. इसके अलावा आप बात करते हैं, अब तो थी ये तो बात थी कि वॉलनट कैसा होना चाहिए, अब बात करते हैं कि ब्लॉक नसों को खोलने के लिए वॉलनट का यूज कैसे करना है, खाने का तरीका क्या है. आपको एक चम्मच शहद चाहिए, दो वॉलनट चाहिए और उसका पाउडर बना लें. अगर आप सर्दियों में ले रहे हैं तो आप इसका पाउडर बना लें, अगर आप गर्मियों में ले रहे हैं तो रात को भिगो दें और सुबह इसका दो वॉलनट का पेस्ट तैयार कर लें. इसके बाद आप सर्दियों में पेस्ट और हनी को मिक्स करेंगे, सॉरी गर्मियों में आप वॉलनट के पेस्ट को और हनी को ऐड कर लेंगे, और जब सर्दियों में ले रहे हैं तो इसके पाउडर को और हनी को ऐड कर लेंगे. इसके बाद मिक्स करने के बाद आप मॉर्निंग में इसे कभी भी गर्म पानी के साथ, गर्म पानी नहीं सॉरी गुनगुने पानी के साथ आपने इसे लेना है. जब आप गुनगुने पानी के साथ ले रहे हैं तो ये हमारी ब्लॉक नसों को खोलने में कारगर होगा. जिनकी भी नसें कमजोर हैं, बहुत जल्दी मुड़ जाती हैं बोल जल्दी, या फिर नसें ब्लॉक हैं, उनके लिए ये फार्मूला बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है. और इसके जो बेनिफिट्स हैं वॉलनट के वो तो हमें मिलेंगे ही, डायबिटीज, थायराइड, ज्वाइंट पेन, माइंड शार्प, ये तो सब मिलेंगे. लेकिन अगर आप इस तरीके से लेते हैं तो ये ब्लॉक नसों को खोलने का काम करता है. बस इतना ध्यान रखें कि गर्मियों के दिनों में आप इसको भिगोकर और सुबह पेस्ट बनाएं, सर्दियों में आप इसका पाउडर यूज कर सकते हैं. फिर आपको भिगोने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम सिर्फ गर्मियों में इसकी तासीर गर्म होने के कारण ही इसकी तासीर को चेंज कर रहे हैं, गर्म से ठंडी कर रहे हैं, बस इतना सा काम है. इसके बाद ये जो गुनगुने पानी के साथ ले रहे हैं, इसको आपको दो अखरोट, एक चम्मच शहद और एक गिलास गुनगुना पानी, ये चीज आपने लेनी है रोजाना. ऐसा लेने से ज्वाइंट पेन भी ठीक होता है, बोन्स भी मजबूत बनती हैं और नर्व सिस्टम भी बेटर होता है. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. अगर आप इसी वीडियो को पंजाबी में सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पंजाबी में भी लिंक दिया गया है, वहाँ जाकर आप इसे पंजाबी में
सुन सकते हैं। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन, उसके अपडेट्स भी आपको मिलते रहें। मिलते हैं एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय।